हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्किलिंग यूज लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट पार्ट में हमने देखा था डायरेक्शंस को पूछना, इस पार्ट में हम देखेंगे डायरेक्शंस बताना। अगर किसी ने आपसे इंग्लिश में डायरेक्शंस पूछे हैं तो आप उनका रिप्लाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिरी तक और सीखिए कुछ नए फ्रेजेस। तो दोस्तों, हमारा पहला फ्रेज है इट्स ऑन द कॉर्नर, वो तो कोने में ही है, इट्स ऑन द कॉर्नर। नेक्स्ट, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट। ठीक है, हमारा अगला फ्रेज है गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चलते चलिए। इट्स इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक के बीचों बीच। टेक दिस रोड, ये रोड ले लीजिए अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, टेक दिस रोड। इट्स ऑन योर लेफ्ट और इट्स ऑन योर राइट, आपके दाई तरफ है, आपके बाई तरफ है। इट्स अबाउट 1000 meters फ्रॉम हियर। टेक द फर्स्ट रोड फ्रॉम द लेफ्ट और टेक द फर्स्ट रोड और सेकेंड रोड फ्रॉम द राइट। इट्स नेक्स्ट टू द स्कूल, स्कूल के बाजू में है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। इट्स ऑन द कॉर्नर, टर्न लेफ्ट और टर्न राइट, गो स्ट्रेट अहेड, इट्स इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक, टेक दिस रोड, इट्स ऑन योर लेफ्ट और इट्स ऑन योर राइट। It's about 1000 meters from here. Take the first road to the left or take second road to the right. It's next to the school. ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। इस सीरीज में हम काफी फ्रेजेस सीखने वाले हैं, अराउंड 1000 फ्रेजेस हम सीखेंगे हमारे आम बोलचाल की भाषा में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।